आइए आपको दिखाते हैं मशीन को कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले आपको जो बॉक्स मिलेंगे उसमें से सभी सामान सावधानी से बाहर निकाल लें। उसके बाद ये मोटर पंप से निकला हुआ पाइप को टैंक में जोड़ दें। इसके बाद ये जो मीटर आपको मिला है इस गेज को यहाँ पर लगा दें। इस बोतल में 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल दिया जाता है जो 140 ml ही आपको पंप में डालना है। ध्यान रखिए ऑयल का लेवल कभी भी इसके जो लाल इंडिकेटर दिया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर ऑयल का लेवल होता है तो पंप उसको इस साइलेंसर से बाहर फेंक देता है। इसके बाद जो 20 फीट का वैक्यूम पाइप आपको दिया है तो ये बॉल वॉल का हिस्सा आपको बकेट को लगाना है और दूसरा हिस्सा आपको इस टैंक को नीचे लगाना है। इस ढक्कन को एक बार खोल के देखिए। ध्यान रखिए इसके अंदर का जो रबर है वो ठीक से बैठा है या नहीं वो एक बार चेक कीजिए। अगर वो ठीक से नहीं बैठा है तो आपका प्रेशर लीक हो सकता है। ढक्कन को अच्छी तरह से बिठाने के बाद इस कड़ी को ऐसे लॉक कर दीजिए। इसके बाद इस असेंबली को हम यहाँ पे बिठा देंगे। इसको पल्सेटर बोलते हैं। इस पल्सेटर को हम यहाँ पर लगाते हैं। इसको सीधा पकड़ के अंदर की तरफ दबाना है। ध्यान रखिए इसको ज्यादा नहीं दबाना है। इसके बाद इस मिल्क ट्यूब को ढक्कन के दूसरी तरफ लगाना है। ये आपकी असेंबली है। हमेशा मशीन शुरू करने से पहले इसको बंद रखना है। जब आपको मशीन शुरू करना है तो इसको ऑन रखना है। ध्यान से देखिए अगर इस तरफ घुमाएंगे तो ये बंद हो जाता है, इस तरफ रहेगा तो ये ऑन है। तो आइए मशीन को शुरू करते हैं। इस मशीन को आपको सिंगल फेज पर ही चलाना है। ध्यान रखिए अगर थ्री फेज पर अगर आप चलाएंगे तो मोटर जल भी सकता है। मशीन का प्रेशर कैसे एडजस्ट किया जाता है, भैंस के लिए कितना प्रेशर रखना है और गाय के लिए कितना प्रेशर रखना है। मशीन शुरू करने से पहले ध्यान रखिए इस वैक्यूम पाइप का नॉब को चालू करना है। अगर नॉब इस स्थिति में है तो नॉब बंद है, लेकिन आपको इस स्थिति में रखना है आपका नॉब चालू हो। इसके बाद ऑर्बिटर असेंबली के नॉब को आपको बंद रखना है। इसको इस स्थिति में नहीं रखना है,
आपको इसको बंद ही रखना है, ध्यान रखिए। ऑर्बिटर नॉब को आपको बंद रखना है और वैक्यूम पाइप के नॉब को शुरू करना है। इसके बाद आइए मशीन चालू करना है। जैसे ही आपका मशीन शुरू हो जाता है, आपका प्रेशर 500 से आगे चला जाएगा। मशीन शुरू होने के बाद जैसे ही प्रेशर आपका 500 के ऊपर 600 तक चला जाता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये पल्सेटर में टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद इस रेगुलेटर की मदद से आपको प्रेशर एडजस्ट करना होता है। सबसे पहले इस छोटे बटन को ढीला कीजिए, उसके बाद इस बड़े बटन को इस तरफ घुमाइए। अगर इस तरफ घुमाएंगे तो आपका प्रेशर कम होता जाएगा। ध्यान रखिए अगर आपके पास एचएफ गाय है या जिस गाय का स्तन मुलायम है उसके लिए आपको 400 तक ही प्रेशर रखना है। जैसे ही आपका प्रेशर 400 तक आ जाता है, इस छोटे बटन को टाइट कर दीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि भैंस के लिए कितना प्रेशर देना होता है। अभी आपका प्रेशर 400 तक है तो आपको भैंस के लिए 450 प्रेशर यहाँ पे लगाना है। इस रेगुलेटर को अगर इस तरफ घुमाएंगे तो मीटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे ही मीटर का प्रेशर 450 तक आ जाता है, आप इस छोटे वाले बटन को टाइट कर दीजिएगा। ध्यान रखिए भैंस, देसी गाय या फिर जिन गाय के स्तन मुलायम नहीं है, कड़क होते हैं, उनके लिए 450 तक प्रेशर रखिए। और जैसे एचएफ गाय जिनके स्तन काफ़ी मुलायम होते हैं उनके लिए 400 तक ही प्रेशर रखिए। अभी आपका मशीन गाय का दूध निकालने के लिए तैयार है।